तो अभी सुबह का टाइम है और बहन जो है बाहर झाड़ू लगा रही है और यहाँ पे मम्मी बाबू को खिला रही है, बट बाबू रोने लगी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मम्मी ने नहा के फ्रेश हो चुकी है क्योंकि आज भी उनका क्लास है। तो आज किस चीज का क्लास है? अच्छा, आज क्लास थी फोटो शूट है। तो क्या चीज का फोटो शूट मतलब? ओ, क्या लगता है आपको, जितना है जीतेंगे ना आप? यू आर राइट। यस गाइज, ये मत सोचो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले कि मैं जीतूंगी या जीत पाऊंगी कि नहीं। नहीं मतलब ठीक है, आप सोचो कि मैं मतलब मैं अपना बेस्ट दूं, बट ये नहीं है। आप पार्टिसिपेट किए, वहां तक गए, वो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आप अगर हार भी जाते हो तो बुरा मत मानो, बट आप ये सोचो कि इतना दूर तक आप आगे गए तो सही ना। चलो, ये इनका सोच बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये देखिए बाबू को, और यहाँ मेरी बहन जो है झाड़ू लगा के आई है। आप लोगों को तो मैंने दिखाया, पूरा पसीना से भरी हुई है। तो मम्मी पूरा रेडी होने जा रही है, पूरा नहीं बोलूँगी मतलब मम्मी रेडी होने जा रही है अपने क्लास के लिए, और मुझे भी जाना है और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। तो ये देखिए मम्मी साड़ी आज पहनने वाली है, ये वाला साड़ी है ना, आज ये वाला साड़ी जा रही है पहनने के लिए। ये गाइस साड़ी इतना ज्यादा सुंदर है, ये आजकल ऑनलाइन में भी ये मिलने लगा है, बट ये ऑनलाइन का नहीं है, खेतान मार्केट का ये। और ये इतना ज्यादा खूबसूरत साड़ी है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, इसका जो फिनिशिंग आप देखो ना, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखो बाबू को, ये क्यों रोने लगी मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ। वो डाली उसे छीन लिया क्या इसलिए, तो उसमें इसका खिलौना है भाई। इसका इतना आदत खराब हो चुका है कि पता है, इसको अगर कुछ चीज नई दो ना आती है अपना सर पटकने लगती है। लो बेटा, ये लो। अच्छा हाँ, टाइम हो गया, हम चलते हैं। सो चलिए, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सोचिए नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता नहीं हम लोग बनाए, हम लोग खाने ही जल्दी जल्दी सोचे बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो आते थे, वैसे भी शाम हो जाता है तो खाना खा नहीं पाते। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ मैंने बनाया है आलू बैंगन का सब्जी। देन यहाँ पे मैंने दाल को बैठाया है, दाल हो चुका है, चावल में बनाऊंगी। यहाँ पे भुंजिया मैंने बना लिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और अभी मैं फिर से जाने वाली हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी तो अकेले जाएंगे नहीं, वो भी बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए भाई तो कोचिंग ही चला जाता है और मेरी बहन जो है वो घर में ही रहती है, बाबू को देखती है, इसलिए और मैं जाने वाली हूँ। जा रही हूँ मैं भी, नहा वहाँ कर फ्रेश हो जाती हूँ। सो किचन ऐसी है, बट छोड़ो, इसको छोड़ती हूँ बाहर, मेरी बहन कर लेगी, खाना तो मैंने बना लिया ना। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के क्लास के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा ही धूप है, और मैं रोज़ रोज़ ऐसे ही जाती हूँ। वैसे मतलब मैं क्या आपको बताऊँ, मम्मी को भी देखो ऐसे ही जा रही है वो भी बांध के। और पता है मैं तो कभी कभी क्या करती थी, मैं ऑटो में ना पूरा मतलब एक होता ना पूरा चेहरे ही को ढक लेती थी, आँख भी नज़र नहीं आती थी। तो बट मुझे नज़र आती थी रोड का, रोड मतलब जो पूरा रोड है वो मुझे नज़र आती थी, बट मुझे इतना हंसी आती थी कि लोग देखते रह जाते थे। देन हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे ये सर हैं जो कि आईक्ले में ये पार्टिसिपेट किए थे 2018 में, और ये अब उन लोगों के मेंबर साथ जुड़ चुके हैं। तो ये मम्मी लोगों को मतलब इन लोगों जितने कंटेस्टेंट हैं सबको बता रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन को आंसर कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। सो ये सारा कुछ इन्हें ये सिखा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करूँगी, तो आप लोग सुनो। सबसे पहले जब भी आप किसी ग्रूमिंग क्लास में या किसी भी आप पेजेंट ग्रूमिंग में जा
उसके बारे में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, बट जो बेसिक चीज है, मिसेज या मिस कैसे बैठते, लेग्स क्रॉस होगा, जैसे मैम बैठी थी, लेग्स क्रॉस होगा, चेस्ट सीधा रखिए, स्ट्रेट आइए, हैंड स्ट्रेट रखिए, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ करने आए, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी पॉइंट पर, कोई भी क्वेरी हो, आप ऑलवेज हो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में सब कम्फर्टेबल है या ऐसा कोई है? इंट्रोडक्शन मतलब आप क्या समझते हैं जब हम बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या अपने बारे में कुछ बताइए। सो फ्रेंड मम्मी रेडियो स्टूडियो के अपने आउटफिट में इनका भी फोटो शूट होने वाला है, इनका नहीं मतलब सारे कंटेस्टेंट लोग का, बस ये अपने रेडियो के आ चुकी हैं। अभी लोगों का मेकअप बाकी है ना, मेकअप बाकी है। तो बस इंट्रोडक्शन का था कि कैसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, तो वो क्लास ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए जो ब्लैक कलर का पहनी थी वो मैम है, वो आईग्लैम के ऑनर हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सबका मेकअप हो रहा है, जितने लोग मीन्स जितने कंटेस्टेंट हैं उन लोगों का मेकअप हो रहा है। और ये मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि ये पटना का जो सेंट्रल मॉल है वहाँ पे जो लैक्मी का सैलून है वहाँ से ये लोग आए हैं मेकअप करने के लिए। तो इनका बस ये तीन मेम्बर, तीन टीम आए हैं, तो सबका यहाँ पे मेकअप चल रहा है बारी बारी से। यहाँ पे पहले मेरी मम्मी का हो रहा है मेकअप, आप ये देख सकते हो, तो इनका ये आई शैडो हो रहा है, फोन आ गई थी बीच में, देन ये देखिए। और पता है क्या, यहाँ पे ना बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, मतलब कोई टीचर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, इस तरीके का। वो जो पीछे बैठी हुई है ना साड़ी में वो इंजीनियर है, एंड देन यहाँ पे जो ये सूट पहनी है वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, मतलब टीचर हैं। और ये जो है बहुत ही सारा पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, मतलब इस टाइप के मिस बिहार ये सब में। और यहाँ पे देखिए सबका फोटो शूट हुआ है गाइस, तो सबका एक एक करके मैं नहीं दिखाऊंगी, बस मैं कुछ ही लोगों का दिखाऊंगी। और ये सारे अपने फैमिली को भी लेके आए हैं, जो बीच में बच्चे आप देख रहे हैं ना, तो किन्हीं की मतलब जो कंटेस्टेंट है उनकी बेटी है, किन्हीं की माँ आई है, किसी की मतलब बुआ आई है, तो सब किसी ना किसी के फैमिली मेम्बर आए हुए हैं। तो बस यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है गाइस, तो चलो।